मशरूम को बच्चे की तरह पालना पड़ता है और बदले में ये हमें पालता है, ये कहना है भूतपूर्व सैनिक एवं प्रगतिशील किसान राष्ट्रीय अवार्ड विजेता पृथ्वी चंद का। खुम्ब उत्पादन के प्रति जुनून की हद तक समर्पित पृथ्वी चंद ने जो सपना आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व देखा था, उसे वर्तमान प्रदेश सरकार की खुम्ब विकास योजना ने नए आयाम दिए हैं। उनके जुनून ने बेटे को विदेशी धरती से नौकरी छोड़कर स्वरोजगार अपनाने तथा बहू को आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रोत्साहित किया। भोरंज उपमंडल के मनो गांव के रहने वाले पृथ्वी चंद बताते हैं कि सेना से सेवानिवृत्ति के उपरांत वर्ष 1998 में उन्होंने मशरूम उत्पादन की ओर रुख किया। प्रथम प्रयास में जितनी राशि उसके उत्पादन पर व्यय की, आय उससे दोगुनी मिली। इससे उनका हौसला भी दोगुना बढ़ा और मशरूम की खेती को ही अपनी भावी जिंदगी का उद्देश्य मान लिया और समय समय पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। घर की छत पर क्यारियां बनाकर शुरू हुआ उनका सफर अब लगभग 60 टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाले शिव शक्ति मशरूम फार्म मनो के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसमें उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत के साथ साथ वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से चलाई जा रही बागवानी विकास योजना का भरपूर योगदान रहा है। गत वर्ष उन्हें प्रगतिशील मशरूम उत्पादक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने बताया कि 2018-19 व 2019-20 में उन्होंने इस इकाई की स्थापना के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विभिन्न घटकों में लगभग 30,60,000 रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। इनमें खुम्ब उगाने वाली इकाई पर 8,00,000 रुपए, मशरूम कंपोस्ट इकाई पर भी 8,00,000 रुपए, स्पैन इकाई पर 6,00,000 रुपए, ट्रैक्टर पर 3,00,000 रुपए, ट्राली पर 2,00,000 रुपए, बहुउद्देशीय रोलर पर 2,00,000 रुपए का अनुदान MIDH योजना के अंतर्गत मिला। वर्ष 2017-18 में बोरवेल के लिए 90,000 रुपए तथा जल भंडारण टैंक के निर्माण पर 70,000 रुपए का अनुदान भी प्राप्त किया। मैंने 1998 में मशरूम का काम शुरू किया। ऑस्ट्रेलियन मशरूम सबसे पहले लगाई, 10 बैग लगाए जिसमें मुझे डबल फायदा हुआ। उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि ये मशरूम का काम बहुत ही अच्छा है और इसको मैंने 2008 तक किया। 2008 में मुझे सरकार ने ट्रेनिंग दी पालमपुर में और उसके बाद मैंने बटन का काम शुरू किया। बटन का काम शुरू करने के बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया और सरकार भी मेरे साथ जुड़ गई। इस समय जो है वो हमारे पास 18 महिलाएं ग्रामीण महिलाएं जो नौकरी करती हैं। हमें काफी मदद की हिमाचल सरकार की ओर से, मुझे 30,60,000 रुपए अनुदान राशि मिली जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ और हमने इस काम को काफी ज्यादा बढ़ाया। 2018 में हमारी सरकार जयराम ठाकुर जी की बनी जिस उन्होंने मुझे काफी ज्यादा जो है वो अनुदान राशि दी जिससे मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। पृथ्वी चंद के निरंतर प्रयासों से प्रेरित होकर उनके बेटे संदीप ने भी इसी व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। ऑटोमोबाइल विषय में ITI से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद लगभग 10 वर्षों तक बहुराष्ट्रीय कंपनी में विभिन्न देशों में नौकरी करने वाले संदीप 4.5 वर्ष पूर्व पिता का हाथ बटाने घर लौट गए। उन्होंने मशरूम इकाई को आधुनिक रूप दिया और इसमें मशीनरी का समावेश किया जिससे उत्पादन में अप्रत्याशित तौर पर वृद्धि दर्ज हुई। उद्यान विभाग की योजनाओं का बेहतर उपयोग और सरकार के प्रोत्साहन से बैंकों से ऋण लेने में भी उन्हें काफी सहूलियत रही। इसके लिए वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष तौर पर आभार भी व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि मशरूम उत्पादन का व्यवसाय नौकरी से कहीं अच्छा है और इसमें 30 से 35 लोगों को वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हुए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने काम शुरू किया। हमने 50 बैच से हमने देखा कि इनको काफी काफी मतलब दुगना लाभ इनको प्राप्त हुआ 50 बैच लगाने से। तो हमने सोचा क्यों ना इसी काम को, खेती बाड़ी को एक एज ए लाइफ जर्नी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और अपनी जीविका भी चलाई जाए, साथ में आस पड़ोस के लोग जो जरूरतमंद है उनको भी रोजगार दिया। बाद मैंने ITI की डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल में, फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में 10 साल तक जॉब की जिसमें रहते हुए मैं देश विदेश में घूम के आया। मैंने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैनुअल वर्क था तो मैंने
इस काम में मशीन को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे जो मटेरियल है वो सारा पंजाब से आता है और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है हिमाचल में सरकार, तो सरकार इसमें हमारी बहुत सारी मदद करती है। मैं धन्यवाद अपनी सरकार का भी देना चाहता हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया तो हमने कुछ मशीनों की जरूरत थी, तो हमने पता किया यहाँ पे उद्यान विभाग के, यहाँ पे तो सरकार की जो स्कीमें थी उद्यान विभाग ने हमारी बहुत अच्छी से मदद की, उसमें हमारा फाइनेंस करवाया, हमें सब्सिडी 40% के करीब हमें सब्सिडी प्रोवाइड कराई और बैंक से लोन दिलाने में हमारी मदद की। तो इसके लिए मैं उद्यान विभाग और खासकर हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। संदीप की धर्मपत्नी पूजा शर्मा भी व्यवसाय में उनका हाथ बटा रही हैं। पहले वे नजदीक के स्कूल में अस्थायी शिक्षिका के बतौर सेवाएं प्रदान कर रही थी, मगर परिवार के प्रोत्साहन पर उन्होंने मशरूम का बीज तैयार करने का प्रशिक्षण सोलन एवं पालमपुर से प्राप्त किया और उसके उपरांत अब इसी व्यवसाय में आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उनका युवाओं को संदेश है कि वे नौकरी के पीछे भागने के स्थान पर स्वावलंबी बने। उनकी इकाई में भी अधिकांश महिलाएं ही कार्यरत हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं मशरूम स्पॉन का काम करती हूँ। हम बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन तैयार करते हैं। पहले मैं अस्थायी तौर पर जॉब करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि फैमिली बिजनेस है तो मैंने भी वहीं पे सेव करना आवश्यक समझा। स्पॉन की ट्रेनिंग ली हुई है मैंने सोलन डीएमआर से, स्पॉन की ट्रेनिंग ली हुई है और मैंने पालमपुर से भी ट्रेनिंग की हुई है। लास्ट ईयर वहाँ से मैंने मशरूम के बारे में ट्रेनिंग ली हुई है। युवाओं के लिए ये अच्छा रोजगार है। आज के समय में वैसे भी नौकरियों की इतनी परेशानी है, दिक्कत है, कंपनी वाले वैसे भी नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं, तो ये एक आप स्वावलंबी बन सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो, एक अच्छा रोजगार है। महिलाओं के लिए भी अच्छा रोजगार है, आप घर से ही कर सकते हो। मेरे हस्बैंड खुद पहले जॉब करते थे लेकिन आज वो लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। तो युवा